आप देख रहे हैं सवाल भारत का और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। आतंकवाद पर भारत को आज बड़ी जीत मिली है, बड़ी खबर देश के लिए, बधाई देश को। पाकिस्तानी आतंकी और जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो गया है। ये वही आतंकवादी है जिसने पुलवामा हमले की साजिश रची थी फरवरी में, और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का रहनुमा चीन इसे बार बार बचा रहा था, लेकिन इस बार भारत की ताकत के सामने पाकिस्तान और चीन दोनों को झुकना पड़ा है और संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया गया है। इसी पर है आज का हमारा पहला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मसूद अजहर को अब कैसे बचाएगा पाकिस्तान? ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर को अब कैसे बचाएगा पाकिस्तान? दूसरी तरफ देश में चुनावी सियासत जोरों पर है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच जोरदार घमासान छिड़ा है, और जो भीषण चुनावी जंग है वो यूपी में छिड़ी हुई है जिस पर दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी। लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर सियासत होना लाजमी है। प्रियंका ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कहा कि यूपी में बीजेपी को हराना ही उनका इकलौता लक्ष्य है, फिर चाहे उन्हें इसके लिए बीजेपी का वोट ही क्यों ना काटना पड़े। इसी पर आज का दूसरा सवाल, अब वोट काटकर यूपी फतह करेगी कांग्रेस? क्या अब वोट काटकर यूपी फतह करना चाहती है कांग्रेस? प्रियंका गांधी रायबरेली अमेठी का दौरा कर रही हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल में पहली बार अयोध्या गए। प्रधानमंत्री की सभा में जय श्री राम के नारे जमकर लगे। पीएम ने आतंकवाद से लेकर राष्ट्रवाद तक के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। वहीं एमपी के इटारसी में एक जनसभा में पीएम मोदी ने यह आरोप तक लगा डाला कि विरोधी उन्हें मारने का सपना देख रहे हैं। इसी पर है सवाल भारत का आज का तीसरा सवाल, क्या है मोदी के कांग्रेस पर बड़े आरोप का सच? लेकिन शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से, पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर ग्लोबल टेररिस्ट हो चुका है। अब पुलवामा हमले के 75 दिन बाद मसूद अजहर आखिरकार शिकंजे में आया। ये वही मसूद अजहर है जिसने भारत को कई सारे जख्म दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मसूद अजहर पर कसा शिकंजा, ग्लोबल आतंकी घोषित हुआ मसूद अजहर। मसूद की अब खैर नहीं, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित हो गया है। संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया है। हिंदुस्तान लंबे समय से इस कोशिश में जुटा था कि आतंक के इस अजगर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए, लेकिन बार बार चीन वीटो का इस्तेमाल कर इसमें अड़ंगा लगा देता था। लेकिन इस बार चीन ने मसूद के सिर से अपना हाथ हटा लिया है और अब ये पाकिस्तानी आतंकी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो गया है। सूत्रों की माने तो अमेरिका, यूके और फ्रांस की तरफ से संयुक्त रूप से प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसके बाद चीन पर खासा दबाव था और आखिरकार चीन को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने झुकना ही पड़ा। अब मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने के बाद उसे कई बड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। दुनिया भर के देशों में मसूद की एंट्री पर बैन लग जाएगा। किसी भी देश में मसूद की आर्थिक गतिविधियों पर रोक लग जाएगी। यूएन के सभी सदस्य देशों में मसूद के बैंक अकाउंट्स और संपत्ति फ्रीज हो जाएंगे। मसूद अजहर के करीबियों और उसकी संस्थाओं को भी मदद मिलनी बंद हो जाएगी। पाकिस्तान को भी मसूद के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने होंगे। मसूद के टेरर कैंप्स और मदरसों पर भी लग जाएगा ताला। मसूद के मामले में चीन का झुकना भारत के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि चीन इससे पहले 4 बार मसूद के मामले में वीटो लगाकर भारत की कोशिशों को झटका दे चुका है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को सीआरपीएफ पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी जैश ने ली थी। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद मार्च महीने में मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश पर चीन ने तकनीकी रोक लगा दी थी, जिसके बाद दुनिया भर के देशों ने चीन के इस कदम की निंदा की थी। इससे पहले हाफिज सईद को मुंबई हमले के बाद ग्लोबल आतंकी घोषित किया गया था। मसूद अजहर पर लगा ये बैन भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
तो भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने मसूद के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की पुष्टि करते हुए कहा कि आखिरकार भारत की लंबी कोशिशों के बाद आतंक पर यह जीत हासिल हुई है। मसूद अजहर स्टैंड्स डेजिग्नेटेड एज ए इंडिविजुअल हु हैज बीन प्रमोटिंग टेररिज्म ग्लोबली। दिस इज फॉर अस ए सिग्निफिकेंट आउटकम बिकॉज वी हैव बीन एट इट for several years. The first effort that we made in this regard was in 2009. More recently, we have been persistent, diligent, and in a subterranean manner, making all our efforts towards this goal. Today, that goal stands achieved. I am grateful to the many, many countries who were supportive of this effort. तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सैयद अकबरुद्दीन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये बात देश को बताई कि किस तरह ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हुआ एक लंबी स्ट्रगल जद्दोजहद के बाद मसूद अजहर। हमारे साथ स्टूडियो में एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ एयर कॉमोडोर एएस बहल हैं, रक्षा विशेषज्ञ अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार यशवीर राघव, बीजेपी के प्रवक्ता अजय उपाध्याय, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सबसे पहले मैं एयर कॉमोडोर एएस बहल के पास चलूंगी। एयर कॉमोडोर बहल, बड़ा दिन, बड़ी जीत भारत के लिए, इतनी लंबी कवायद चली और उसके बाद फाइनली ये टेररिस्ट जिसने भारत को कई जख्म दिए हैं और ताज़ा जख्म जो है वो पुलवामा का जख्म है, वो आखिरकार ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हुआ। सबसे पहले मैं पूरे भारतवर्ष को इसकी बधाई देना चाहूंगा और खासकर भारत सरकार को, जिनकी मेहनत ने आज रंग लाया है और मसूद अजहर को एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है। इसके पीछे जो हमारे 3-4 महीने के कंटिन्यूस एफर्ट्स थे वो आज बियर फ्रूट हुए हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर ट्रैवल बैन लगेगा मसूद अजहर पर, उसके फाइनेंशियल इकोनॉमिक एसेट्स, उसके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो फ्रीज किए जाएंगे और साथ ही साथ में पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको खुला छोड़ना। लेकिन मैं साथ में ये कहना जरूर चाहूंगा कि जो असली सांप है पाकिस्तान में वो है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी, जो मसूद अजहर को इस्तेमाल करती है, उसके ऊपर भी कोई ना कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन आज ये कोई भी क्रेडिट नहीं लेके जा सकता कि भारत सरकार की और पूरे भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है जब उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। भारत सरकार की, पूरे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। अजय उपाध्याय के पास चलूंगी, फिर अवधेश जी आपके पास, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय, भारत सरकार भारत को आज बधाई देगी कांग्रेस पार्टी? निश्चित तौर पर भारत के जी, मैं आपको सुन पा रही हूं जी। निश्चित तौर पे ये कूटनीतिक जीत है भारत के, जितने भी रणनीतिकार हैं, विदेश मंत्रालय है और सरकार को भी मैं इसमें बधाई देना चाहूंगा। साथ में एयर कमोडोर साहब ने एक बात रखी है कि मसूद अजहर, जिसको पिछली सरकार, भारत सरकार, भाजपा की सरकार थी तब इसको छोड़ा गया था, लेकर हम छोड़ कर आए थे भारत के जेलों से, और उसके बाद लगभग 500 हमारे सैनिक शहीद हुए। आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने का निश्चित तौर पे बहुत खुशी है, लेकिन अंतिम अंजाम तब होगा जब इसके सर को काटकर भारत सरकार किसी न किसी रूप में लाए। आप जानती हैं जिस तरह से ओसामा बिन लादेन भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी था, घोषित होने के बाद पाकिस्तान उसको पनाहगार दिए हुए था और वर्षों तक वहां था जब तक अमेरिका ने उसको लेकर के अपने सैनिकों के द्वारा उसे ध्वस्त, उसको खत्म नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हमें निश्चित तौर पे सफलता है, लेकिन अंतिम लड़ाई हमारी अभी भी जारी है और पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता है, क्योंकि आईएसआई और वहां के सेना का एक तरह से ये खिलौना है। मुख्य तौर पे सेना और आईएसआई के सारे इशारों पर कार्रवाई हो रही है, तो पाकिस्तान के साथ हमें पूरी तरह अलग करने की जरूरत है। यशवी राघव, शीतल जी, देश के 130 करोड़ नागरिकों के लिए बहुत हर्ष का विषय है। बिल्कुल, सबसे पहले तुमको बधाई हो। सबसे बड़ी बात कि भारत ने पुलवामा हमले का सबसे बड़ा जो बदलाव एक प्रकार से इस देश की जनता ने, इस देश की सेना ने, उस देश के नेतृत्व ने ले लिया है। देश विश्व भर में नए भारत की जो मजबूत होती हुई साख है उसका ही अपने आप में परिचायक है। विश्व देख रहा है, विश्व हमें सुन रहा है, जहां हम बात रखते हैं उसको सुना जाता है, माना जाता है। आज कांग्रेस हो
या विपक्षी दल हो जो बार बार आतंकियों के साथ जाकर खड़े हो रहे थे, या पाकिस्तान की सरकार हो या पाकिस्तान की ISI हो, जैसे बहल साहब ने कहा, आज रात चैन से सो नहीं पाएंगे। क्यों इतना बड़ा निर्णय हुआ है? और दूसरा सबसे बड़ा विषय, अभी तो ताज्जुब ये हो रहा है कि राहुल गांधी हर चीज पर 5 मिनट बाद ही ट्वीट कर देते हैं, बयान देते हैं, अब तक उन्होंने देश को बधाई नहीं दी है इतने बड़े निर्णय पे। मसूद अजहर जैसे गंभीर अपराधी को, आतंकी को आज आतंकी घोषित किया है वैश्विक स्तर पर, आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुप बैठे हैं, सुन्न हो गए हैं, उन्हें रात भर नींद नहीं आएगी, उन्हें पता है कि, और आप सबसे बड़े 14 मार्च को जब चाइना ने विटो लिया था, अब देश जी को ध्यान होगा, 14 मार्च को जब चाइना ने विटो लिया था इस मुद्दे पर, जब चौथी बार भारत सरकार गई थी तो राहुल गांधी ने कैसा ट्वीट किया था कि देखिए ये है 56 इंच की छाती, किस प्रकार से चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूले झूल रहे थे, किस प्रकार से चाइना के साथ क्या कर रहे थे, लेकिन आज एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चिंता कर रहे हैं सोए कैसे। लगता है आप अपना पीठ थपथपा लीजिएगा। ओके ओके ओके, देश की जनता क्यों हासिल हुई है ये, हम अपना पीठ नहीं थपथपा रहे, लेकिन कम से कम देश की सरकार को बधाई तो दीजिए। आज पीठ थपथपाना बनता है, पूरे देश की पीठ थपथपाना। अवधेश जी देखो, ऐसा है कि मैं इस राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ूंगा, ये एक अत्यंत ही एक असाधारण सफलता भारत की है। असाधारण, बिल्कुल। कल जब चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेन सुंगांग का जो वक्तव्य आया, उसमें 4 मुख्य पॉइंट उसने बता दिया था, जिसका लुब्बो लुब आया था, वो अंग्रेजी में पंक्ति थी कि जो वेक्स्ड इशू है डेजिग्नेटेड अजहर एज ए ग्लोबल टेररिस्ट बाय द UN विल बी प्रॉपरली रिजॉल्व्ड। जब उसने कहा कि रिजॉल्व कर लिया जाएगा, हाँ। उन्होंने ये कहा कि बाकी देशों से बातचीत चल रही है, जो 1267 जो है अलकायदा समिति है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, जो बैन पर विचार करती है और सर्वसम्मति से बैन लगाती है, उसने ये भी कहा था कि ये कंसेंसस पर हम पहुंच रहे हैं। तो फिर वह लगा था कि बिल्कुल अब इसका मतलब कि कल जो है इसका फैसला होने ही वाला है, अब क्योंकि पिछली बार जो प्रस्ताव आया था ना, उस प्रस्ताव को चाइना आने से नहीं रोक सकता था। पहले जो 3 प्रस्ताव आए थे, उसको प्रस्ताव आने से रोक देता था टेक्निकल इशू पर। पिछली बार का प्रस्ताव अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने किया कि अब डिस्कस होगा, उसके बाद ही आप वीटो कर सकते हैं। देखिए, इसका महत्व सबसे बड़ा यह है कि यह फैसला चीन ने तब किया है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के वहां तुरंत गए थे और 2 दिन पहले वहां से लौट के आए हैं। तो जाहिर है कि राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यह फैसला बता दिया था कि हमें करने वाले हैं और आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर दीजिए। कल ही जो है ग्लोबल टाइम्स में बहुत बड़ा लेख भारत और चीन के रिश्तों पर छपा हुआ है, खूब बड़ा लेख है, जिसमें पिछले की सरकारों का वर्णन है, इस पर भी वर्णन है, और उसमें यह कहा गया है कि जो जो इशू वेक्स्ट आए हैं उसमें मसूद अजहर की भी चर्चा है कि कहां कहां है, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी पर भी चर्चा है। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं आपके पास लौटूंगी, पूरे पैनल के पास, और सवाल अब यही होगा कि अब पाकिस्तान कैसे बचाएगा आतंक के इस आका को। इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए सवाल भारत का। तो पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड मसूद अजहर ग्लोबल टेररिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित हो चुका है, और सवाल यही कि अब पाकिस्तान आतंक के सागा को कैसे बचाएगा, पूरी दुनिया ने जब नकेल कस दी है। मैं चलूंगी एयर कॉमोडोर AS बहल के पास। एयर कॉमोडोर AS बहल, पाकिस्तान के मुंह पे बड़ा तमाचा है ये। बिल्कुल, अब बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को उसे खुलेआम छोड़ने का, और जैसे वो पहले आग उगलता था भारत के अगेंस्ट हर मीटिंग में, हर रैली के अंदर, अब बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको प्रोटेक्टिव कस्टडी से बाहर छोड़ना। लेकिन साथ ही में मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, दैट इज ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 cuts। तो वो हमेशा आतंकी संगठनों को यूज करता है। अभी वो इनके ऊपर जब लश्कर ए तैयबा पे प्रेशर बना तो उसके हाफिज सईद को भी कई दिन तक प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया, और उसके बाद जब जैश ए मोहम्मद पे पड़ा तो उसको भी प्रोटेक्टिव कस्टडी। और एक बार तो अफवाह भी चली थी कि शायद वो रहे ही नहीं, मौत हो गई। लेकिन जो अगर हमें अंकुश लगाना है तो ISI के अगेंस्ट भी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ताकि वो दूसरा या तीसरा कोई संगठन ना खड़ा कर सके। पहले हरकतुल अंसर
का सरंगना जनरल सेक्रेटरी होते थे जैश ए मोहम्मद के, सरंगना भी, फिर बाद में जैश ए मोहम्मद उन्होंने फॉर्म की है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आतंकी संगठन पाकिस्तान बनाता रहेगा और हमें अब जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर लेना है, और वो लेने के लिए हमें जो भी सही रास्ते मिलेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक रास्ते हैं जो बीजेपी ने शुरू किए थे, और जो पानी का रास्ता है, या तीसरा है जो विश्व को एक साथ लेने के चलने का रास्ता, उसके साथ साथ हमारी स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस अलर्ट में रहने का भी एक रास्ता हमें रखना पड़ेगा, ताकि उनके पास ये मैसेज हमेशा रहे कि अगर कभी फिर पुलवामा जैसे अटैक हुआ तो बालाकोट 2 भी हो सकता है, बालाकोट 3 भी हो सकता है, और इस बार हम और भी अंदर जाके घुस के उनको मारें, गहरा जख्म देंगे। यशवी राघव, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जिस आज जो हुआ है उसके बाद एक तरह से सशक्त भारत का स्पष्ट संकेत विश्व भर में गया है। अब जैसे बहल साहब कह रहे थे कि बालाकोट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने उद्बोधनों में लगातार संकेत दिए हैं कि पाकिस्तान ने इस बार जो छेड़ा है उसका जवाब मिल गया, इस बार दोबारा ऐसी हरकत की हुई तो बदला लिया जाएगा और ढंग से लिया जाएगा। दूसरी बात, बार बार एक आरोप लगाया जाता है कि कोई भी इस तरह की हरकत हो जाती है सबूत मांगे जाते हैं, तो मुझे लगता है शीतल जी और मैं, अवधेश जी, हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, कि विश्व मंच ने, वैश्विक मंच ने अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत दे दिया है। बालाकोट की सुनाई आज वहां तक है, वो बालाकोट का जो बदला लिया गया, बालाकोट का बदला ले लिया, मैं पुलवामा का बदला लिया, बालाकोट में माफ कीजिए, पुलवामा का बदला, बालाकोट वहां तक हो रही है, वैश्विक मंच पर समाजवादी पार्टी से मैसेज गया, समाजवादी, मैं समाजवादी पार्टी से भी इस पर रिएक्शन लूंगी। क्या डॉक्टर आशुतोष वर्मा मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, पुलवामा का बदला, पुलवामा का बदला ऐसा है कि जब हम पुलवामा का बदला कहते हैं ना, तो इतनी बड़ी घटना को हम छोटा बना देते हैं। देखो ऐसा है, पुलवामा का बदला तो यही है, लेकिन पुलवामा होने के पहले से हम उसके बारे में प्रयास कर रहे थे। 2016 से इस सरकार ने किया, 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार ने किया, 2017 में भी किया, उसके बाद रोक गया, 2016 से लगातार करते रहे, 2016, 2017, 2019 में प्रयास किया। इसका महत्व पहला तो ये है कि भारत के प्रयास से अमेरिका, ब्रिटेन और रूस सुरक्षा परिषद के 3 अस्थाई सदस्य देशों ने यह प्रस्ताव 3 बार लाया, ये भारत को 3 बार ये देशों ने प्रस्ताव लाया। जब चीन ने पिछली बार वीटो कर दिया तो फ्रांस ने कहा कि फिर हम जो इसके एक आतंकवादी घोषित होने के बाद जो कदम उठाए जा सकते हैं, बिना घोषित हम कदम उठा रहे हैं, उन्होंने उठा लिए, घोषित कर रहे हैं कि वो वैश्विक आतंकवादी, उन्होंने घोषित किया, ब्रिटेन ने कहा कि हम उसके खिलाफ शुरू करते हैं, उन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये कूटनीतिक जो है बड़ी 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 सफलता है, उसमें जो जो आज का अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन आप पढ़ेंगे तो उसमें पुलवामा का तो जिक्र है ही है कि उसने स्वयं जो है उस हमले का जो है बाकी 14 दिसंबर का जो हमला है 14 फरवरी का उसकी जिम्मेवारी ली जैसे मोहम्मद ने। हाँ। साथ ही साथ ये कहा है कि हरकल मुजाहिदून में जब वो था तो अफगानिस्तान में वो कह रहा था कि अमेरिकन फौजों से जा करके लड़ो। हाँ। और वहां प्रेरित करता था और भेजता था, तो मसूद अजहर के अनेक कदमों का उसमें विवरण है। ठीक है, तो ठीक ये है। एक बात जो मैं कह रहा, मैं आशुतोष वर्मा आपके पास फिर आऊंगी, हमारे पास और भी वक्त, आऊंगी आपके पास भी, आऊंगी आपके पास भी। आशुतोष वर्मा एक और रिएक्शन ले लेते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आप हमारे साथ कनेक्टेड है। आशुतोष, पूरा देश खुशी मना रहा है, पुलवामा का बदला ले लिया भारत ने, भारत सरकार बधाई की पात्र आज तो है। शीतल जी, सबसे पहले मैं कह देता हूँ कि मैं पिछले 20 मिनट से ऑडियो में मेरे पास नहीं था, तो मुझे किसी के कमेंट के बारे में नहीं पता किया था पहले भी आप मैं आज नहीं थे। भारत को और हाँ मैं वही बता रहा हूँ, तो मैं भारत को इस डिप्लोमेटिक जीत को, पूरी 130 करोड़ की जनता को ढेर सारी बधाइयाँ जी। शीतल जी, आज बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए, क्योंकि आज उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ाया है एंटी टेररिज्म के लिए, लेकिन साथ में आज एक बहुत बड़ी घटना महाराष्ट्र में हुई है, मुझे लगता है उसका उल्लेख करना नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र में एक बार फिर गढ़चिरौली में नक्सलियों ने IED ब्लास्ट करके पुलिस की एक गाड़ी उड़ा दी और 16 जवान हमारे शहीद हो गए। आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करना एक अलग बात है, लेकिन अपनी सीमाओं के अंदर आतंक रोकना एक बड़ी बात है।
नक्सल भी अगर कुछ कार्य किया जाए तो बहुत बड़ी चीज होगी, जमीनी स्तर पे काम किया जाए। ठीक है, नक्सलवाद की आप बात कर रहे हैं, उसको लेकर भी एक लंबी लड़ाई देश लड़ रहा है, कई सालों से लगातार जाते जा रहे हैं। ठीक है, फटाफट से मुझे एक ब्रेक लेना है। जैसे आप देखिए कहा कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने, यूएस ने मिलकर जिस प्रकार से ये प्रस्ताव रखा था, ये तीनों बार ऐसा हुआ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार थी 2016-17-18 तीनों बार ऐसा हुआ कि उन देशों ने ये प्रस्ताव रखा। लेकिन 2009 में भी एक बार प्रयास किया गया था, वो प्रस्ताव रखने से पहले ही वो चीनों ने चीन की वीटो के बाद उसको खंडित कर दिया गया था। लेकिन ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, जिस प्रकार से विपक्ष बार बार आरोप लगाता है, प्रधानमंत्री जी बार बार विदेश जा रहे हैं, विदेशी दौरों पर जा रहे हैं, ये विदेशी दौरों का ही कूटनीतिक परिणाम है। विदेशी दौरों का, प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों का कूटनीतिक ये नतीजा है। मैं इस पर रिएक्शन कांग्रेस की लूंगी, समाजवादी पार्टी की। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सवाल भारत का। वेलकम बैक। तो मसूद अजहर अब ग्लोबल टेररिस्ट है, पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड, जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर अब ग्लोबल टेररिस्ट है। मैं चलती हूँ अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता के पास। और अजय उपाध्याय, ब्रेक से पहले यशवी राघव बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, और बार बार ये सवाल विपक्ष उठाता है प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर जो उन्होंने अपने इस 5 साल के कार्यकाल में की, अब इनका ये कहना है कि इन्हीं यात्राओं का, इन्हीं कूटनीतिक यात्राओं का नतीजा आज हम देख रहे हैं कि इस तरह का आतंकी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो गया, जिसने भारत को एक नहीं कई जख्म दिए हैं। मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि पहले तो राघव जी गलत बयानबाजी कर रहे हैं लगातार। एक शब्द उन्होंने कहा कि कांग्रेस आतंकवादियों का समर्थन करती है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा का अधिकृत प्रवक्ता है और ये चैनल पर बैठ रहे हैं और ऐसा शब्द ये बोलते हैं, किसी मसूद अजहर को साहब बोलते हैं, तो मैंने क्या गलत कहा? अजय गलत बोल रहे हैं। अरे अजय जी, मैंने क्या गलत कहा? सिद्धू ने कहा था ना कि आतंकियों को नहीं मारा, पेट तोड़ कर आए हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा था ना, इतने बड़े अफजल साहब, गुलाम नबी आजाद ने कहा था, अरे दिग्विजय सिंह ने कहा ना, अफजल साहब, सारे मैं सबूत दे रहा हूँ आपके, झूठी बयानबाजी कम से कम। आप बताइए क्या झूठ है इसमें? आप बताइए, साध्वी प्रज्ञा को मत कहिए आप, आपके हिंदू टेरर का नाम देने की वजह से उस पर इतनी बड़ी आलोचना आई है। आप इस बात से स्पष्ट हो चुके हैं देश की जनता, किस प्रकार से आपने तुष्टीकरण के करने के लिए एक हिंदू साधु संत को साध्वी प्रज्ञा का मुद्दा नहीं है, साध्वी प्रज्ञा का मुद्दा नहीं है, लेकिन मेरा सवाल आप लोगों की स्तुति में गायब हो गया। मेरा सवाल ये था अजय उपाध्याय, आप लोग एजेंडा तय नहीं करेंगे डिबेट का, मसूद अजहर पर बात हो रही है उसी पर बात होगी। अजय उपाध्याय एक सेकंड, नहीं नहीं अजय उपाध्याय मेरी बात सुनिए, अजय उपाध्याय पहले मेरी बात सुनिए, अजय उपाध्याय पहले मेरी बात सुनिए, अजय उपाध्याय, अजय उपाध्याय प्लीज लिसन टू मी। मेरा सवाल आपसे जो था वो स्पष्ट था कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं, कांग्रेस ने भी उठाए हैं, विपक्ष ने उठाए हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि इन्हीं कूटनीतिक यात्राओं का नतीजा आज हम देख रहे हैं कि मसूद अजहर जैसा खूंखार आतंकी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो पाया। पूरी दुनिया ने दबाव बनाया, चीन पर भी दबाव बना और आखिरकार ये नतीजा निकला। शीतल जी, शीतल जी, ये मोदी जी की सरकार 5 साल से थी और 5 साल में 500 हमारे सैनिक मारे गए, 18 पार आतंकवादी हमला हुआ, उरी से लेके पठानकोट से लेके अमरनाथ से लेकर के और पुलवामा तक। अजय जी, हर हमले का बदला लिया गया है। 26/11 में जिस प्रकार से मनमोहन सिंह पल्लू छिपाकर बैठ गए थे ना सोनिया जी का, ऐसा नहीं किया मोदी जी ने, और आपको 5 साल का इतना ही दर्द है दिखाना है चुनाव के दौरान ये सब हो रहा है, तो जाइए चुनाव आयोग, अमेरिका के खिलाफ भी चले जाइए चुनाव आयोग, हमको इतना ही दर्द है, धन्यवाद देंगे कि उसका भी सहयोग रहा। आपको बधाई देने बड़ी बात हो गई, ये भारत की जीत है, प्रधानमंत्री जी अपना पीठ थपथपाना चाहे चिंता मत कीजिए, लेकिन आतंकवादी आज रात कई लोगों को नींद नहीं आएगी हिंदुस्तान में, ये बात करने देना चाहते हैं, इन्हें सिर्फ चलाने की आदत है, देखिए चलाना शुरू कर दिए, अरे चुनाव में एक्सपोज हो रहे हैं, थपथपा लीजिए, आप इतने इमरान खान ने कहा था, जिनकी से सेटिंग है, बार कह रहे हैं, वो चाहता है कि मोदी जी जीते, 5 साल की मेहनत का परिणाम है, वहाँ उनकी ठीक रख है, और यहाँ मोदी जी की कर रहे हैं, ये सब नौपंथी है दोनों की, इसीलिए तो केंद्र में सोपी चला रहा है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं फिर वही बात कह रही हूँ कि जो प्रधानमंत्री, प्लीज आप लोग रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, मुझे और गेस्ट का वर्जन भी लेना है। अजय उपाध्याय, इस तरह डिबेट यदि ये करेंगे राघव, अरे वो नहीं बोलेंगे,
आप भी अगर आप लोग खामोश नहीं होंगे तो स्टॉप चलाते हैं वो नहीं अब वो खामोश है अजय उपाध्याय एक मिनट रुक जाइए मजबूरी है हमारी नहीं बोलेंगे खामोश आप कीजिए और आपके बगल में बैठे हुए को आप चलाने दीजिए कूटनीतिक यात्राओं को लेकर कई सवाल कई तंज कसे गए कई कार्टून्स बने कई सारे मजाक भी बनते थे लेकिन वो यात्राएं कहीं ना कहीं कामयाब हुई हैं आज इसको नहीं नकारा जा सकता है देखो पहले तो मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ताओं से दोनों युवा प्रवक्ता हैं पढ़े लिखे मैं आग्रह करूंगा कि इसको तूतू मैमे में बदलने की बजाय तथ्यात्मक तरीके से बात करें पार्टियों के बीच मतभेद होता है लेकिन विदेश नीति की सफलता सुरक्षा नीति की सफलता वो राष्ट्र की सफलता होती है उसको एकदम से बिल्कुल क्योंकि मैं एक बात और भी कहूं मुझे मनमोहन सिंह का भी वो दिन याद है जब मनमोहन सिंह जी आसियान के मीटिंग में गए थे और चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि आप साउथ ईस्ट एशिया में जो वियतनाम के लिए तेल गैस की खोज कर रहे हैं उसको रोक दीजिए मनमोहन सिंह ने कहा कि हम नहीं रोकेंगे ये हमारा कमर्शियल इंडिया का इंटरेस्ट है तो ये कह देना कि कोई मतलब बहुत सारे उस सरकार की विफलताएं हैं लेकिन कई बार हर सरकारों का कुछ योगदान रहा है और नरेंद्र मोदी का भी विदेश नीति में बहुत बड़ा योगदान है इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं देखो विदेश नीति की यात्रा पर प्रश्न उठाना जो है ये बिल्कुल एक अनुचित बहस थी जो हम लोग बार बार लिखते और बोलते रहे हैं प्राइम मिनिस्टर अगर विदेश जाता है तो घूमने नहीं जाता है इस समय जो दुनिया की जटिल परिस्थिति है उसमें डिप्लोमेसी का दायरा बढ़ गया है डिप्लोमेसी सिक्योरिटी के स्तर पर है कॉमर्स के स्तर पर है इकोनॉमिक के स्तर पर है कल्चर के स्तर पर है और साथ ही साथ भारत के जो दुनिया भर में 2.5-3 करोड़ भारत वंशी है उनको भारत के पक्ष में खड़ा करने की भी एक डिप्लोमेसी है जिसके लिए भी आपको विदेश की यात्राएं देखी तो बहुत सारी इसलिए वो प्रश्न लेकिन यह बात सही है कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में खासकर चीन के प्रति जो विदेश नीति रही है उसमें एक विशेष दृढ़ता दिखी है चाहे वो डोकलाम के समय 73 दिनों तक बिल्कुल आमने सामने भूटान जैसे छोटे दोस्त के लिए खड़ा रखना और फिर उसको रिजॉल्व करना और कल इसको चीन ने अपने लेख में स्वीकार किया है हाँ। कि हमने अनेक मुद्दों पर हमने साहसी निर्णय दोनों ने म्यूचुअल रेस्पेक्ट से किया है और करेंगे और ये फैसला किया है। ठीक है। तो वो जो प्रश्न उठ रहा था मनमोहन सिंह विदेश जा रहे थे वो 45 देश गए नरेंद्र मोदी 52 देश गए ये काउंट होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए देश की सीमा के अंदर प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नेता होगा उसको विरोध करे जैसे ही सीमा पार करता है हमारा प्रधानमंत्री हाँ। वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, ठीक वो पार्टी का नहीं होता है ये होना एक बात जो मैं और कहना था देखिए जो मैं आऊंगी आपके पास अवधेश जी मैं आऊंगी आपके पास मैं एयर कमोडोर के पास जाना चाहता हूं उन्हीं की बात का एक जवाब दे रहा हूं जल्दी एयर कमोडोर साहब ने कहा ना कि भारत को आईएसआई और बाकी पाकिस्तान देखिए आईएसआई केवल भारत की समस्या है वो अमेरिका की समस्या नहीं है हाँ। वो चीन की समस्या नहीं है वो हमारी समस्या है वो हमको निपटना है लेकिन ऐसे ही प्रेशर बनता है चीन से ये भी खबर आई थी कि चीन के राष्ट्रपति ने इमरान खान को कहा है कि सीमा पार आतंकवाद जो आपके यहां जा रहा है उस पर आप रोक लगाइए क्योंकि भारत का गुस्से से पाकिस्तान को क्षति होगी इस देश में अस्थिरता पैदा हो सकती है तो इस प्रकार से बहुत सारे अमेरिका ने इमरान बजाबता जो है वो ट्रंप ने तो बजाबता बयान दिया ओके, 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 तो ओके, उस प्रकार के प्रेशर जा रहे हैं लेकिन मसूद अजहर की घटना को अभी हम आईएसआईएस और पाकिस्तान की समस्त आतंकवाद की इस समय में जोड़ने का ठीक है ओके अजय उपाध्याय मैं आपके पास आऊंगी लेकिन मैं पहले एयर कमोडोर एएस बहल के पास चलूंगी एयर कमोडोर ये मसूद अजहर जो टेररिस्ट ग्लोबल घोषित हुआ ये केवल पाकिस्तान को लेकर भारत की डिप्लोमेटिक जीत नहीं है इसको चीन को लेकर भी डिप्लोमेटिक जीत कहा जाएगा क्योंकि चीन बार बार अड़ंगा लगा रहा था और चीन की वजह से अब तक वो नहीं घोषित हो पाया था लेकिन चीन को भी आखिरकार हामी भरनी पड़ी ग्लोबल प्रेशर के चलते तो ये चीन को लेकर भी एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है भारत की नहीं बिल्कुल सही बोला आपने चाहे वो 2009 था 2016 था या 2017 या इस बार 13 मार्च का टेक्निकल होल्ड था कुछ भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं चीन ने हमेशा पाकिस्तान को बचाया है इसमें चीन हमेशा ये दिखाता था पूरे विश्व के अंदर कि जो भी उनके इंटरेस्ट में है और जैसे वो चाहते हैं वो करेंगे चाहे पूरा विश्व उसके साथ है या नहीं है लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना इंटरनेशनल प्रेशर बना और जब अमेरिका ने मदद लेते हुए फ्रांस और यूके की जब ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ड्राफ्ट प्रपोजल रखा तो उनको लगा कि अब वो आइसोलेट हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर और अब उन्हें पीछे हटना ही पड़ेगा और ये दूसरी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जीत हुई है और ये ना केवल डोकलाम के बाद पर वैसे डोकलाम को अगर हम कंपेयर करें 1966 में भी जब वो भेड़ों के बहाने से उनके सैनिक भी आए थे तो ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं और डोकलाम में भी कई सालों के बाद भारत का एक
अलग अलग टाइप ऑफ डिप्लोमेटिक बिहेवियर देखने को मिला था, जहां पे सैनिकों ने भी अपना अग्रेसिव बिहेवियर दिखाया था। और मैं यहां पे ये दो चीजें बोलना बहुत जरूर चाहूंगा, एंड करना चाहूंगा ये कहते हुए कि चाइना को पहली बारी भारत की शक्ति का जो एहसास है वो हुआ है, और पहली बारी वो पीछे हटे हैं डोकलाम में, वो हटे लेकिन पीछे नहीं। कल ग्लोबल टाइम्स के लेख में इसका वर्णन है कि पिछले 5 सालों में भारत की अंतरराष्ट्रीय कूटनीति ने ऐसी भूमिका, और ये वही ग्लोबल टाइम्स है, याद कीजिए ये वही ग्लोबल टाइम्स है जो डोकलाम के समय में भारत को किस तरह लपेटा। माना है कि भारत की डिप्लोमेसी के कारण इंडिया का पोजीशन वर्ल्ड लेवल पर स्ट्रॉन्ग हुआ है, भारत एक मजबूत देश में उभरा, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इसमें जो भारत का डायस्पोरा है उसको भी भारत ने अपने इस काम में लगा के और बहुत कुछ हासिल सब कल लिखा हुआ है। बिल्कुल। और यही ग्लोबल टाइम्स है जो डोकलाम जब चल रहा था स्टैंड ऑफ भारत और चीन के बीच 2017 में, तो यही ग्लोबल टाइम्स भारत के खिलाफ ऐसा कैंपेन इसने छेड़ा हुआ था, इस तरह का एंटी कैंपेन था, और वही आज तारीफ कर रहा है। अजय उपाध्याय आपको जोड़ना चाह रहे थे, चीन को लेकर भी भारत की इस डिप्लोमेटिक जीत पर क्या कहना है आपका, कांग्रेस का? एकदम दो मुद्दे हैं आज भी जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। चीन का जो संबंध है दोनों जुड़े हुए हैं, उसी तरह इंटेक्ट है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, जिसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात है, आपने देखा 2 दिन पहले इमरान खान का चाइना में जाना, जिंग सिंगपिंग से मिलना और उनके प्रधानमंत्री क्वांग से मिल करके और सारी ये डील हुई है। अच्छी बात है, भारत को इसमें फायदा हुआ है, हम भारतवासी इसके लिए गर्व कर रहे हैं कि अच्छी बात है। आतंकवादी गतिविधियां यदि रुकती है पाकिस्तान के माध्यम से तो ये सर्वाधिक बड़ी जीत होगी, यदि रुकती है। ये आज भी प्रश्न है कि आतंकवादी घोषित होने के बाद क्या अब आतंकवादी गतिविधियां नहीं होंगी या इस पर रोक लगेगी, पहली बात। दूसरी बात, डोकलाम पे एक बड़ी चर्चा हो रही है, अंत भला तो सब भला, अंतिम में रिजल्ट क्या हुआ डोकलाम पर? मात्र जो यथा स्थिति की बात हुई थी, 10 मीटर की दूरी पर चाइना ने आज अपना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पूरा रखा हुआ है और वहां पे पुनः निर्माण कार्य उसने शुरू कर दिया है। ये पूरा देश और पूरा विश्व जानता है, पैनलिस्ट भी जानते हैं। डोकलाम में उस समय जरूर 73 दिन की डेडलाइन थी और हम सभी चाहते थे कि वो किसी तरह रोक पाए हम लोग, लेकिन अंततः चाइना को हम पूरी तरह नहीं रोक पाए। आज भी वो स्ट्रेटजिक पोजिशन जो नेक चिक हम लोग मानते हैं, हमारी गर्दन है एक तरह से वो एरिया, वहां पे आज भी चाइना का स्ट्रेटजिक पोजीशन और हस्तक्षेप हो गया। मेरा मानना है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बात हुई है आतंकवादी घोषित करने में, ये बड़ा काम है, लेकिन हमें अन्य चीजों पर जैसे लश्कर-ए-तैयबा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जब जब इस देश को एक सम्मान मिलता है वहीं कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होने लगती है। राहुल गांधी वही व्यक्तित्व है जो बाहर जाकर लंदन में जाकर प्रेस वार्ता करके क्या कहते हैं कि देश को एलिटी से ज्यादा हिंदू टेरर से खतरा है, बार बार हिंदू संस्कृति हिंदू सभ्यता का उंगली उठाते हैं, बार बार इस देश को बदनाम करते हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत को सम्मान मिलता है इन्हें कभी हजम ही नहीं होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात, किस प्रकार से चाइना के राष्ट्रपति का इमरान खान से मिलने पर भी कहीं ना कहीं इशारों में कुछ ना कुछ पेज निकाल रहे हैं कि इनकी वार्ता हुई है इसलिए हुआ है। अरे देखिए ना, मसूद अजहर जैसे गंगोर आतंकवादी को जिसने इस देश में लगातार कई बार ऐसे बड़े हादसे किए, उसको वैश्विक स्तर पर आतंकी घोषित हुआ है जो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब आप चिंता मत कीजिए, वो यहाँ भी आएगा, थोड़ा सबर कीजिए, आपको हर चीज में जल्दी रहती है, संयम रखिए। 23 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिल जाएगी तो सारे लक्ष्य ये भी पूरे किए जाएंगे, कुछ मुकाम हासिल हुए हैं, कुछ मुकाम हासिल करने हैं। अजय जी घबराइए मत, तो मेरा कहना यह है कि देखिए जो अजय जी कह रहे हैं ना वो एक पक्षीय है, हालांकि मुझे आश्चर्य है क्योंकि वो पॉलिटिकल साइंस के विद्वान है, छात्रों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं कॉलेज में। देखिए चीन को अपनी सीमा के अंदर कोई अड्डा बनाने से या बाकी हम नहीं रोक सकते हैं, वो अपनी सीमा के अंदर कुछ भी कर सकता है, चाहे वो 1 किलोमीटर हो आधा किलोमीटर हो। बात यहां वो था कि जो भूटान का पार्ट था उसमें वो घुस के जो निर्माण करने आ गए थे,
जो उनके जो बड़ी बड़ी मशीनें थी काटने वाली खोदने वाली भारत के सैनिकों ने उठा के फेंक दिया था और वहां वो नहीं घुसे, इसलिए ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो स्ट्रेटेजिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण था जो भूटान का पार्ट था वहां चीन कोई निर्माण कर रहा है, चीन अपनी सीमा में निर्माण कर रहा है। अगर इस ओर उन्होंने करने की कोशिश की तो भारत फिर उनको उसी ढंग से मुंहतोड़ जवाब देगा और ये एक बड़ी चीज थी और चीन के साथ ऐसे निपटना बहुत जटिल है, बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मिलाऊंगी अभी, प्लीज उन्हें विंडो में लाइए। डॉक्टर वर्मा, चीन के खिलाफ भी जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, कैसे भूल सकते हैं कि क्या हुआ डोकलाम में, फिर कैसे भूल सकते हैं कि पिछले कई साल से किस तरह से अड़ंगा लगा रहा था चीन, मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने के लिए भारत के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहा था, लेकिन अब वो भी पहाड़ के नीचे आ गया। जी शीतल जी, सन 2009 में जब ये पहली बार वाकया उठाया गया उस समय भी चीन ने परेशान किया और पिछली 5 सालों में 3 बार ऐसा हुआ और आज अभी कुछ मिनट पहले ही यूएन के सेक्रेटरी लुओ झुंगसू ने एक लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए साथ दिया है और चाइना ने जो उसका साथ दिया है वो काबिले तारीफ है, ना हो तो आप उनका ट्विटर अकाउंट देख सकते हैं। तो डिप्लोमेटिक जीत है डेफिनेटली मैं ये कहूँगा, लेकिन इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कहीं ना कहीं काउंटर टेररिज्म में हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि यूएन जिस तरीके से पाकिस्तान को प्रेस कर रहा है इसको भी ध्यान देना चाहिए। और अभी एक और खबर आई है कि भारतीय जनता पार्टी की साध्वी प्रज्ञा सिंह को अगले 72 घंटे के लिए प्रचार करने के लिए रोक दिया है। चलिए वो एक अलग मुद्दा है, उस पर वो बहस नहीं है, अश्विनी राघवा प्रयाग करना चाह रहे हैं। मतलब आशुतोष जी का दोनों मुद्दे हैं, दोनों आप बोगला डाल लियो, पाकिस्तान की तारीफ उन्हें नजर आ जाती है, थोड़ी सी भी उच्चू है कि बराबर तारीफ होगी पाकिस्तान की नजर आ जाएगी देश विश्व भर में, अब हिंदुस्तान की तारीफ हाथी के बराबर होगी तो भी नहीं दिखाई देगा। साध्वी प्रज्ञा पर अगर किसी ने रोक लगाई है, चुनाव आयोग ने लगाई है, जिसको बार बार आप कटघरे में खड़ा करते रहते हैं, जिस चुनाव आयोग को बार बार आप कटघरे में खड़ा करते साध्वी प्रज्ञा मुद्दा नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सवाल भारत का। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है और एयर कॉमोडोर एएस बहल के पास चलूंगी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। एयर कॉमोडोर, इतनी बड़ी कामयाबी के बाद अब आगे क्या, अब क्या रणनीति रहे भारत की? आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत बड़ी कामयाबी थी जो कि है, और इसके बाद जो भी सरकार बनेगी उसके पास वापस पाकिस्तान का मुद्दा आएगा ही आएगा और उसे 3 जगह पे फोकस करते रहना पड़ेगा। ये इंटरनेशनल प्रेशर जो बनाया गया है उसे कंटिन्यू रखना पड़ेगा और कंटिन्यूसली इंक्रीज करना पड़ेगा और पूरे विश्व को यूनाइट करना पड़ेगा आतंकवाद के अगेंस्ट, क्योंकि पूरा विश्व आज इससे तंग आया हुआ है, चाहे वो श्रीलंका है जो आपने देखा या कोई और देश है। और दूसरी चीज है इकोनॉमिक एक्शन जो हमने शुरू किया था और उसको भी आगे ले जाना पड़ेगा हमको पाकिस्तान के अगेंस्ट, उनको आइसोलेट करना पड़ेगा ताकि उनके ऊपर प्रेशर बना रहे। और तीसरा है जो भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की कमियां हैं वॉर वेजिंग रिजर्व्स में या किसी और चीजों में, उसको पूरा करना है ताकि हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमेशा सशक्त और रेडी रहें कोई भी एक्शन लेने के लिए, और तभी पाकिस्तान को समझ आएगा। पाकिस्तान डिप्लोमेसी से पीछे, डिप्लोमेसी से सिर्फ जीता नहीं जा सकता, पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर के उसे अकेला करना पड़ेगा, तभी हम आतंकवाद के ऊपर जीत हासिल कर सकते। आप एक ग्लास पानी पी लीजिए, मैं तब तक अवधेश जी के पास आऊंगी। अवधेश जी, जैसा कि उन्होंने कहा बिल्कुल सही और वाजिब बात कही एयर कॉमोडोर ने, उनका ये कहना है कि हमें सिर्फ ये तो एक जीत बड़ी है हमारे लिए, लेकिन पाकिस्तान को हमें हर तरीके से घेरना होगा, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, मिलिटरली, डिप्लोमेटिकली। देखो, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन जो है डॉक्टर मोहम्मद फैजल, उनका बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि इट विल इमीडिएटली इन्फोर्स द सैंक्शन इम्पोज्ड ऑन जैसे मोहम्मद चीफ। पाकिस्तान ने बयान दे दिया है कि हम तुरंत जो है, उसने उन्होंने कहा है, वो अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, दिस इंटेल्स ए बैन ऑन फॉरेन ट्रेवल, एसेट फ्रीज एंड आर्म्स एम्बार्गो। अर्लियर प्रपोजल टू लिस्ट मजहूर मसूद अजहर फेल टू जनरेट द रिक्विजाइट consensus in the section committee as the information did not meet to its technical criteria. These proposals were aimed at maligning Pakistan. वो उन्होंने कहा है, but now the situation had changed. ये है उनकी पंक्ति। मैं एक बार मुझे दिखाएंगे आप ये फोन पर, तो मैं इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। अभी अभी जो ये ट्वीट अवधेश जी ने दिखाया, ये पाकिस्तान का रिएक्शन है। हाँ। और इन्होंने कहा कि हम तुरंत
पाकिस्तान वुड इमीडिएटली एनफोर्स द सैंक्शंस इम्पोज्ड ऑन जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर और उसके फॉरेन ट्रैवल पर उसके एसेट्स को फ्रीज किया जाएगा पूरा का पूरा, ये पाकिस्तान ने घोषित किया है। अजय उपाध्याय आप कह रहे थे नहीं, इसका एक लाइन में बता, मैं इस पर एक रिएक्शन ले लेती हूं। पाकिस्तान को चीन ने पहले से ही मन बनवा दिया था कि आपको करना है, हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अजय उपाध्याय, जिस तरह से पाकिस्तान से रिएक्शन आ गया, आप कह रहे थे कि मसूद अजहर को सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करना अच्छी बात है लेकिन सिर्फ इस भर से काम नहीं होगा। अब पाकिस्तान की ओर से ऑफिशियली ये बात आ गई है कि एसेट्स फ्रीज होंगे, तुरंत इस सैंक्शन को लागू किया जाएगा और तमाम कड़े कदम उठाए जाएंगे मसूद अजहर को लेकर। शीतल जी यही सेम बात मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से पहले भी उसको नजरबंद किया जाता था पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने लगातार दोहरा चरित्र दिखाया, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ हैं, तो ऐसा ना हो इस पर वाकई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को घोषित, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय साथ है, हमारे साथ है, भारत के साथ है, आज ये जरूरत है कि पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को उजागर करते रहना होगा। और यदि पाकिस्तान कठोरता से वाजिब कार्रवाई नहीं करता है, यदि उसको पुनः इन सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखता है, क्योंकि ISI और सैनिकों वहां सेना का उसमें जोड़ कहीं ना कहीं रहता है, तो इस पर हमें पूरी सतर्कता के साथ भारत सरकार को आगे भी काम कदम उठाना होगा ताकि कोई आतंकवादी गतिविधियां इसके जैसे मोहम्मद के द्वारा नहीं हो। अच्छा, लश्करे तोयबा भी अंतर्राष्ट्रीय सूची में है लेकिन फिर भी वो सारी गतिविधियां करते रहता है। हाफिज सईद को भी कई बार इस तरह से प्रयास किया गया है लेकिन फिर भी वो लगा हुआ है। पाकिस्तान पनाहगार है, हमें ये समझने की जरूरत है। दोहरा चरित्र जीने वाले वो लोग हैं, उन पर पूरी तरह से कार्रवाई, हम लोग जागरूक रहे और ये देश में आपसी सहमति के साथ राजनीति के लिए नहीं, ईमानदारी से देश के साथ होकर के काम सबको करना। बहुत खूब अजय उपाध्याय, अपने पीठ थपथपाने के लिए नहीं, इस स्टेटमेंट के लिए आप बधाई के पात्र और भारत के साथ हम सभी लोगों को खड़ा रहना। अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही है और कहने लायक बात भी है कि वाकई में पाकिस्तान को हर उसकी गतिविधियां जो है आतंकी गतिविधि उसका जवाब दिया जाए। और लगातार नरेंद्र मोदी जी भी पिछले अपनी कार्यशैली से भी और अपनी क्रियाशैली से भी और अपने वाक शैली से भी लगातार इशारा करते रहे किसी भी प्रकार का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर प्रकार की जितनी भी गतिविधियां आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान करता है उसका करारा जवाब लगातार दिया भी जा रहा है। दूसरी बात, जैसा आपने बहल साहब ने भी बताया कि लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार में के अंतर्गत सेना लगातार सशक्त हो रही है, समृद्ध हो रही है, चाहे वो हेलीकॉप्टर जो विश्व के सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर लाने की बात हो, चाहे AK-47 से अगला AK-206 की जो फैक्ट्री शुरू हो गई है, काम शुरू हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, उसकी बात हो, चाहे अगले महीने से ही जून में ही पहला राफेल भी इस देश में आ जाएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी समृद्ध हो रही है सेना, तो अपने आप में एक मैसेज भी है विश्व स्तर पर कि हम आसानी से भारत से पंगा नहीं ले सकते हैं। ठीक है डॉक्टर आशुतोष वर्मा, एक छोटा सा कमेंट, फिर क्लोजिंग कमेंट एयर कॉमोडोर और फिर मुझे डिबेट को क्लोज करना है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, देश की जनता को बहुत बहुत बधाइयां। एक कुछ खबरें इस तरह से भी आ रही हैं कि जैश ए मोहम्मद पे आप बहुत अपडेटेड हैं आज आप बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा अपडेटेड हैं, अनऑथेंटिक है। मैं आप मुझसे सवाल नहीं पूछ रहे, क्योंकि आज आप बोलने के लिए कुछ है नहीं तो ट्विटर ही देख लेते हैं। मसूद को पुलवामा अटैक, मेरी बात पर, अजहर मसूद को पुलवामा अटैक के नाम के से वहां से हटाने के लिए कुछ दबाव भी डाला गया था लेकिन वो शायद नहीं हो पाया और चाइना ने अपने डिप्लोमेटिक जो होल्ड थे वो हटाए हैं और UN के सामने बताया है कि हम अजहर मसूद से अपना डिप्लोमेटिक होल्ड हटा रहे हैं। तो ये कूटनीतिक जीत है और देश को इसके लिए बधाई, डिप्लोमेट्स जो UN में लगातार लगे हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। शायद इसी तरीके से चीन को हम पीछे बिगड़ाएंगे क्योंकि हमारा दुश्मन पाकिस्तान से खतरनाक चाइना बैठा है जो पीछे से खेल रहा है। मुझे बहुत खुशी है आज सब लोग बहुत सेंसिबल बात कर रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट एयर कॉमोडोर, फिर मुझे मेरे पास बात कोई बात नहीं, वक्त तो चलता रहता है, वक्त के चक्कर में। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर, अगले शो का टाइम हो रहा है, चलिए फटाफट 30 सेकंड। देखिए इसमें कुछ कदम परवर्ती जो आप बात बरकर आफ्टर वार्ड्स व्हाट फर्स्ट, भारत का एक टेररिज्म का कन्वेंशन के लिए यूनाइटेड नेशन में हमारा प्रपोजल पड़ा हुआ है, उस पर नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं कि पहले उसमें आतंकवाद की परिभाषा तय हो ताकि ये स्पष्ट हो सके कि वाकई कौन देश आतंकवादी है, उसको बिल्कुल परस्यू करके उसको पास कराने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। सेकेंड
कि अब पाकिस्तान भले ही कुछ कहे, अजय जी के बिल्कुल मैं बात से सहमत हूं, क्योंकि दूसरा जो बड़ा आतंकवादी वहां ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होते हुए भी पाकिस्तान में घूम रहा है, तो उसके खिलाफ पाकिस्तान ने कदम नहीं उठाया, तो पाकिस्तान पर प्रेशर बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज जो है उसके इकोनॉमिक सिचुएशन उसका खराब हो रहा था, सऊदी अरब ने और बाकी ने मदद कर दिया है, डिप्लोमेटिक तरीके के तरीके और भी कुछ करना होता है। अच्छा ठीक है, ओके चलिए। एयर कमांडर, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है कि उसको प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे, वो ये दिखाना चाहता है कि वो इंटरनेशनल लॉ फॉलो कर रहा है। हमारे लिए यही बहुत बड़ी कूटनीतिक विक्ट्री है, बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भारत के लिए, पूरा देश जश्न मना रहा है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट में एयर कॉमोडोर एस बहल, अवधेश कुमार, यशवीर राघव, अजय उपाध्याय, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आज की डिबेट को लेकर आपके यानी हमारे व्यूअर्स की क्या राय है हमें जरूर ट्वीट कीजिए @जनतंत्र TV @शीतल राजपूत N पर। देखते रहिए जनतंत्र टीवी।